हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं आपके सामने हुदा खान। आज मैं आपको कला के बारे में बताने वाली हूँ कि कला का मतलब होता ही क्या है और कला कहती किसे है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है चित्रकला। चित्रकला के बाद में हम बात करते हैं कि कला है क्या, कला की अनुभूति क्या है। तो इसका मतलब कला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कला की। कला शब्द हमारा किस भाषा से लिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको जो कला के बारे में है थोड़ी हम थ्योरी में आपको समझाएंगे। समझाने के बाद में उसका तरीका क्या होता है काम करने का, कैसे उसको कलर करते हैं या कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो बाद में बताती हूँ। पहले मैं कुछ कला के बारे में आपको समझाती हूँ। कला शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लिया गया है, ना इंग्लिश है ना हिंदी, किसी से नहीं लिया गया है। कला हमारा जो है संस्कृत से लिया गया है। कला को बनाने से पहले पहले उसकी मोटी मोटी बातें हमें जान लेनी चाहिए। कला क्या है, कला किस भाषा का शब्द है, या फिर बात करें किसी कलाकारों की समूह की, तो कलाकारों का समूह आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ा है, इसलिए हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कला क्या है, कला किस भाषा का शब्द है। तो कला जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं चित्रकला। चित्रकला कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर मूर्तिकला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला है, संगीत कला है, चित्रकला है। जैसे कि आप जान रहे हैं कला के बारे में, पहले कुछ बातें जान लें उसके बाद में हम बताते हैं कि क्या बनेगा उसके बाद में। अब बात करते हैं कुछ कलाकारों की, जिन कलाकारों ने कला को अपनी भाषा में जो बताया है कि कला किस प्रकार की है कैसी नहीं है, तो उनकी जो भाषा थी उन्होंने जो अपने शब्दों में समझाया था, यहाँ बात करते हैं जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कला क्या है। जैसे रविंद्रनाथ जी ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर, कला पढ़ लेते हैं लेकिन कला के बारे में नहीं पता होता है कि किस कलाकार ने अपने शब्दों में कला को क्या समझा है, कला किस भाषा का शब्द है और कला आई कहाँ से, कला को कहते क्या है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने ही शब्दों में कहा था, जो सत्य हो सत्य हो और सुंदर हो सुंदर हो वही कला कहलाती है। कला कहलाती है। पहले हमने कलाकार के नाम में रविंद्रनाथ टैगोर को शामिल किया है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि अरस्तु ने अपने शब्दों में क्या कहा था कला क्या के लिए। जो कलाकार थे अरस्तु, उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा था अरस्तु के अनुसार। जब बात कला की होती है तो कलाकारों के जानना जरूरी होता है किस कलाकार ने अपने शब्दों में क्या कहा था, कौन कलाकार कैसा था, किस कलाकार ने कैसी कलाकारी की थी, किसने चित्रकारी की थी, किसने मूर्तिकारी की थी, किसने संगीतकारी की थी। यहाँ अरस्तु ने अपने शब्दों में कहा था हमारी कला प्रकृति कला हमारी प्रकृति और सुंदर अनुभवों का अनुकरण है। सुंदर अनुभवों का अनुकरण है, अनुकरण है। पहले कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने
जो सत्य और सुंदर है वही कला है। अब बात अरस्तु की आती है तो अरस्तु के अनुसार कला हमारी प्रकृति को सुंदर अनुभवों को अनुकरण ही कला कहलाता है। प्लेटो को जानते नहीं है कि प्लेटो कहते कैसे, लेकिन प्लेटो का भी नाम एक कलाकारों के रूप में दिया जाता है। प्लेटो के अनुसार पहले मैंने आपको समझाया था कि कला क्या है, कला का मतलब क्या है, कला किस भाषा से लिया गया था, कला की जो परिभाषा होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने शब्दों में क्या कहा था, अरस्तु ने अपने शब्दों में क्या कहा था, और बात अब हम प्लेटो कर रहे हैं। प्लेटो ने कहा था कला सत्य ही अनुकरती है, कला सत्य ही अनुकृति है। यह आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ तीन कलाकारों की बात करके, अगले टॉपिक में मैं आपको और भी कलाकारों के बारे में बताऊंगी, अजंता के बारे में बताऊंगी। कला जानते तो सभी हैं, कला का मतलब ये नहीं होता सिर्फ बनाना फूल पत्ती जो भी नहीं है, सब नहीं। कला के बारे में उसकी थ्योरी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता, कौन कलाकार अपनी कैसी छाप छोड़ के गया है, उसने कैसी चित्रकारी करी थी, उसने क्या कलाकारी करी थी, उसे जानना भी पहले बहुत ज़रूरी होता है। कला की जो शाखाएं होती हैं, चित्रकला आपको बताई दिया है, मूर्ति कला आपको बताई दिया है, संगीत कला आपको बताई दिया है। अब बात करते हैं पहले कुछ बनाने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। बनाने का समय पहले आप सबसे पहले लाइनिंग का ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हमारी लाइनिंग कहाँ जा रही है, उसके बाद में बनाने का तरीका क्या होता है, उसके अंदर कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बता देंगे। आपको कला के बारे में पता चल गया, तीन कलाकारों ने अपनी भाषा में क्या कहा था वो आपको पता चल गया, उसके बाद में चित्रकला की जो शाखाएं थी वो मैंने आपको बताई हैं, संगीत कला, मूर्ति कला, काव्य कला और भी कला हैं, वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। अब आप काम कैसे करते हैं चित्रकला में, ड्राॅइंग करते कैसे हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको अभी चित्रकला के बारे में बताया था कि चित्रकला के बारे में तो थ्योरी मैंने आपको समझा दी, लेकिन उसे बनाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हमें अपने कागज़ को अच्छे तरीके से लेना है, कागज़ का ध्यान रखें, कभी भी लेते टाइम कभी कागज़ पतला या फिर हल्का कागज़ कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कागज़ लेते हो तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद में हम कागज़ की बात ख़त्म करके दूसरी बात हम पेन की करते हैं। यहाँ पेन हम नॉर्मल लिए हुए हैं अभी तो, लेकिन नटराज का पेन है ये, नॉर्मल पेन, डार्क पेन अभी हमें यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मली यूज़ करना है। अगर आप डार्क पेन यूज़ करोगे तो आपके लिए वो मैं दूसरी वीडियो में ऑप्शन दूंगी कि हमें कौन से चित्र बनाने में या कौन सी ड्राइंग बनाने में हमें डार्क पेन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये नॉर्मली पेन है, लेकिन इसको चलाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके को कागज़ पर ये यूज़ करा जाता है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये रबड़ है, आप सभी जानते होंगे नॉर्मली चीज़ है, जब हम ड्राइंग करते टाइम अपनी पेन, रबड़, कटर सभी को ध्यान में रखते हुए अपने पास रखते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली हैं। कभी भी आप कोई चित्र कागज़ पर बनाते हैं या उसको ये ऐसे करके रगड़ते हैं तो पेज हमारा वहीं ख़राब हो जाता है, पर ऐसा नहीं करना है। अब बात हम करेंगे कि पेन को कैसे चलाना है। पेन अक्सर सभी स्टूडेंट अक्सर ऐसा करते हैं, पेन को डार्क तरीके से उसके ऊपर प्रेशर देते हैं। प्रेशर का मतलब कभी भी पेन को आप यूज़ करें तो उसको प्रेशर ना दें। पेन को पकड़ने का तरीका नॉर्मली रखें, क्योंकि नॉर्मली अगर आप पेन पकड़ोगे तो आपका पेन सही चलेगा। अगर डार्क यूज़ करते हैं तो डार्क में आपकी लाइनिंग भी ख़राब हो जाती है। यहाँ मैंने आपकी क्लास आज ली है तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ कोई चित्र नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले आप अपनी लाइनिंग को ध्यान में रखते हुए आपकी लाइनिंग कैसी होना चाहिए, लाइनिंग आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लाइन सबसे पहले हम जब ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमसे डार्क हो जाती है, हमारी लाइन अच्छी नहीं आती है या हमसे कलर भरना नहीं आता। तो सबसे पहले लाइनिंग का ध्यान रखेंगे, बात हम करेंगे कुछ गोलों की, कुछ गोले जो होते हैं तो गोलों को भी ज़्यादा ध्यान रखिए। सबसे पहले अपना जो पेन चलाने का तरीका है, सबसे पहले उस चीज़ को नोटिस करिए, आपका
ड्राइंग खुद अच्छा हो जाता है। अगर आपको ऐसी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगले टॉपिक में आपको चित्र कैसे बनाते हैं, उन्हें बनाने का तरीका होता है। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको अभी गोले या पेन करने का तरीका बता रही हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट डार्क या प्रेशर देके पेन चलाते हैं तो वो पेन ऐसा हो जाता है डार्क, जबकि ऐसा पेन नहीं चलाना है। इसी पे रबड़ घिसते हैं तो वो चीज़ हो जाती है ख़राब। हमारी लाइनिंग दिखनी, जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये हल्की लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग। इसलिए पेन को चलाइए, लेकिन प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी, और पेन का ज़्यादा ध्यान रखें। नॉर्मली पेन चलाएँ उस पर, नॉर्मली पेन चलाएंगे तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी। कागज़ का ध्यान रखें, कागज़ को हमें कैसा लेना है। लाइनिंग की बात आती है, यहाँ कुछ नॉर्मली चीज़ में आपकी ये जैसे एप्पल बना के दिखाऊंगी। यहाँ हम हल्का गोला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्मली बात हो रही है, यहाँ पर मैं कोई चित्र नहीं बना रही हूँ, कोई कलाकारी नहीं दिखा रही हूँ। जैसे आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, नई नई पेंटिंग, नई नई चित्रकारी, नए नए आलेखन आपके अकॉर्डिंग आते रहेंगे। आपको जैसा अच्छा लगे आप बता सकते हैं, जो कमेंट करना चाहें वो आप बता सकते हैं। लेकिन आपको करते टाइम हर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसी हमारी पेन घूम रही है, पेन चलाने का तरीका क्या होता है। जब बात पेंटिंग की आती है तो एक कैनवास पेंटिंग बनाई जाती है, जहां लैंडस्केप बनाया जाता है, लाइव बनाया जाता है, पोर्ट्रेट वैन, लेकिन वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। लेकिन बात यहाँ एक नॉर्मली कागज़ पर, जैसे आज आपकी पहली क्लास है और यहाँ टॉपिक चल रहा है कि कला कहते किसे हैं, तो थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। लाइनिंग का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कागज़ को देख कर रहना चाहिए, रबड़ पेन का ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ हम आज मैं चलूँ नॉर्मली एप्पल बनाने वाली हूँ। एप्पल बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने अभी ये गोला लिया, उसके बाद में हम ये एप्पल बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं पेन को कैसे पकड़ी हूँ, गोला मैंने पहले करा है, उसके बाद में मैं ये मैंने डंडी निकाल दी है। जैसे कि गोला कराया, गोले में ही मैंने एप्पल निकाल दिया है। अब आप चाहें जब आपको एप्पल तैयार हो सकता है तो आप ये साइटों का रबड़ से मिटार सकते हैं। चलो जैसे कि मैं अभी आपको मिटार के दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने हल्का पेन यूज़ करा, पेन को बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया है। अगर आप पेन को प्रेशर देते हो तो आपका चित्र बेकार हो जाएगा बिल्कुल। ये आप देख रहे हो जैसे कि ये एप्पल बन चुका है। एप्पल को भी मैंने ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करा है। कुछ चित्र स्मृति होते हैं जिनमें शेडिंग की भी ज़रूरत होती है, आपको वो सब अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो। आलेखन की बात आती है, 9th फर्स्ट ईयर इंटर में जो आलेखन होते हैं उन्हें काम करने का तरीका क्या होता है, अगले वीडियो में मैं आपको, अगर बनाने का तरीका यही है, अगले वीडियो में मैं आपको आलेखन में जो कलर करते हैं, आलेखन बनाते किसे कहते हैं आलेखन, आलेखन के बारे में बताना है। आलेखन होता क्या है, उसे बनाने का तरीका क्या होता है, उसमें कलर कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। याद रहे सबसे पहले बनाते समय लाइनिंग का काफ़ी ध्यान रखें, अपनी पेन को चलाना सीखें, पेन चलाते कैसे। शेडिंग की बात आती है, कुछ स्मृति चित्र होते हैं लेकिन ये कलर का है, लेकिन मैं इसमें आपको शेड करके दिखाती हूँ। देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये मेरा पेन चल रहा है, देख रहे हैं आप कैसे पेन चल रहा है, ना कि ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे चलेगा तो ख़राब हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरा पेन नॉर्मली चल रहा है, और यहाँ मैंने लिया भी नॉर्मली पेन है। नॉर्मली पेन लेके ही अक्सर काम होता है। डार्क शेड की हमें जब ज़रूरत पड़ती है, जब हम स्मृति चित्र बनाते हैं, शेड को अंदर करते हैं, वहाँ नॉर्मली पेन होता है या 4B की लेंगे पेन। यहाँ शेड करते टाइम आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास, मुझे कॉटन नहीं है अभी, तो इसलिए मैं बिना कॉटन के आपको एक आइडिया के तौर पर, जैसे अपनी उंगली होती है उसको हल्का हल्का शेड ऐसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहे कैसे शेड हो रहा है, कैसे पेन चलाया है, इसमें कैसे इसको बनाया है। पहले मैंने गोला करा था, गोले में ही मैंने एप्पल को निकाला है। एप्पल को जैसे कि आप देख रहे हो कि शेड पता भी नहीं पड़ रहा, और मैंने इसमें शेडिंग भी करा है, तो ये एप्पल बन गया। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगी, अगले वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कलर करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ओके बाय।